वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज सिखाने वाला हूँ रैंक कोरिलेशन कॉपिशेंट वो भी तीन टेबल का यहाँ पे देख सकते हैं वन टेबल टू टेबल थ्री टेबल तीन टेबल है फर्स्ट जज सेकेंड जज थर्ड जज तो इन तीनों टेबल का रैंक कोरिलेशन कॉपिशन निकालना सिखाऊंगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना अगर दो टेबल दिया हो फर्स्ट जज और सेकेंड जज सिर्फ हो तो उसका रैंक कोरिलेशन कॉपिशन कैसे निकालेंगे जिसको स्पियरमैंस रैंक कोरिलेशन कॉपिशन भी बोला जाता है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाकर वो देख ले ठीक है तो आज हम लोग रैंक रैंकेशन कॉपीशन इस टेबल का सीखने वाले हैं यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट जज सेकेंड जज थर्ड जज आपके एग्जाम में यही नाम होगा जरूरी नहीं है नाम यहाँ पे चेंज हो सकता है एक्स वाई जेड दे सकता है ऑरेंज एप्पल मैंगो दे सकता है कुछ भी नाम दे सकता है बस तीन टेबल देगा तो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं टेन कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी सेंटर आर रैंक बाई थ्री जजेस इन द फ्लोइंग ऑर्डर फर्स्ट जज है सेकेंड जज है थर्ड जज है अप्लाई द रैंक कोडिशन कोपिशियन और एस्पियर रैंक कोलिशन कोऑफिशियन आपको रैंक कोडलिशन कोपिशन और एसपियर रैंक कोलिशन कॉपिशन दोनों सेम ही होता है ये याद रखना है डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेज हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी ये बोला गया है तो हम लोग को सिर्फ देखना है तीन टेबल है और रैंक कोडिशन कॉपिशन पूछा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे एक टेबल सिंपली बना देंगे तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं टेबल बनाने से पहले कुछ लेट कर लेते हैं यहां पे क्या लेट कर लेता हूं सॉल्यूशन लिख के यहां पे लेट आर वन आर टू एंड आर थ्री बी द ठीक है आर थ्री बी द रैंक्स असाइन बाय फर्स्ट जज सेकेंड जज एंड थर्ड जज रेस्पेक्टिवली ठीक है आप लोग क्या करेंगे आर वन आर टू आर थ्री मान देंगे इस जज को फर्स्ट को जज को आर वन आर टू आर थ्री इस तरह से मान लेंगे इसको मानने के बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे चलिए एक टेबल बना लेते हैं यहां पे हम लोग तो अगर आपको तीन टेबल दिया हो इस प्रकार का तीन टेबल दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे इस प्रकार का टेबल इस तरह से बना लेंगे आर वन का आर टू का आर थ्री का हमेशा यही टेबल बनाना है ये याद रखना है आपको नाम यहाँ पे चेंज करके लेट आर वन एंड आर टू लेट आर वन आर टू एंड आर थ्री द रैंक्स असाइन बाई अगर फ्रूट का नाम होता एप्पल ऑरेंज और यहाँ पे मैंगो होता तो वही लिख देते बस ये नाम याद रखना है सेम रखना है टेबल आर वन आर टू आर थ्री उसके बाद डी वन टू इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू डी टू थ्री इक्वल टू आर टू माइनस आर थ्री डी वन थ्री इक्वल टू आर वन माइनस आर थ्री डी वन टू का होल स्क्वायर डी टू थ्री का होल स्क्वायर डी वन थ्री का होल स्क्वायर ये टेबल हमेशा बना लेना है अब क्या करेंगे आर वन में क्या करूँगा फर्स्ट जज का जो वैल्यू था वो रखूँगा ऊपर देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वैल्यू है वन सिक्स फाइव टेन थ्री टू फोर नाइन सेवन एट मैं आर वन में रखूँगा ये वैल्यू आर टू में रखूँगा और ये वैल्यू जो थर्ड जज का है वो आर थ्री में रखूँगा चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, 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 पे देख सकते हैं पूरा वैल्यू मैंने पुट कर दिया है आर वन में फर्स्ट जज का वैल्यू रखा आर टू में सेकेंड जज का वैल्यू रखा आर थ्री में थर्ड जज का वैल्यू रखा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे वन सिक्स फाइव टेन है यहाँ पे देख सकते हैं वन सिक्स फाइव टेन एंड सो ऑन उसी तरह से आर टू का है थ्री फाइव एट फोर है उसके बाद थ्री फाइव एट फोर है एंड सो ऑन उसी तरह से थर्ड जज का जो वैल्यू है सिक्स फोर नाइन एट वन उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिक्स फोर नाइन एट वन एन सो वन पूरा फिलअप कर दिया ठीक है इतना फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्या है डी वन टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू आर वन ये है आर टू ये है तो आर वन में से आर टू घटाना है सब करना है तो वन माइनस थ्री करूँगा तो माइनस टू आ जाएगा सिक्स माइनस फाइव करूँगा तो वन आ जाएगा फाइव माइनस एट करूंगा तो माइनस थ्री आ जाएगा टेन माइनस फोर करूंगा तो सिक्स थ्री माइनस सेवन करूँगा तो माइनस फोर टू माइनस टेन करूँगा तो माइनस सिक्स टू माइनस टेन करूंगा तो माइनस एट हो जाएगा फोर माइनस टू करूंगा तो फोर माइनस टू टू हो जाएगा नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा एट सेवन माइनस सिक्स आपका वन हो जाएगा एट माइनस नाइन माइनस वन हो जाएगा इस तरह से निकाल लेना है ठीक है अब इसको क्या करेंगे समेशन डी वन टू याद रखना है समेशन डी वन टू हमेशा ज़ीरो आएगा आप लोग जोड़ कर ये देख लेना माइनस टू वन माइनस थ्री प्लस सिक्स माइनस फोर ये कैलकुलेट मैं करके दिखायाता हूँ माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री प्लस सिक्स माइ सिक्स के बाद कितना है माइनस फोर माइनस एट उसके बाद टू प्लस एट कितना हो गया टेन प्लस वन माइनस वन कितना आ रहा है यहाँ से देख सकते हैं ज़ीरो तो ये हमेशा ज़ीरो आता है ये याद रखना है ठीक है हमेशा ज़ीरो ही आएगा ये उसी तरह से आर टू माइनस आर थ्री निकाल लेंगे आर टू में से आर थ्री को घटा लेंगे तो थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री फाइव माइनस फोर वन एट माइनस फोर नाइन माइनस वन फोर माइनस एट माइनस फोर सेवन माइनस वन सिक्स टेन माइनस टू एट टू माइनस थ्री माइनस वन वन माइनस टेन माइनस नाइन सिक्स माइनस फाइव वन नाइन माइनस सेवन टू ठीक है इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है और इसका भी समेशन निकाल लेना है समेशन डी टू थ्री ठीक है ये डी टू थ्री क्यों हुआ क्योंकि इसका निकाल रहे हैं ठीक है अब क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे तो ये भी जीरो आएगा माइनस थ्री सभी जोड़ लेंगे तो जीरो ही आएगा ये सभी को जोड़ेंगे तो चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं माइनस थ्री प्लस वन उसके बाद प्लस वन उसके बाद माइनस वन है ये माइनस फोर देख सकते हैं उसके बाद माइनस फोर के बाद क्या है प्लस सिक्स प्लस एट यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद माइनस वन माइनस नाइन उसके बाद वन प्लस टू थ्री हो गया जीरो आ गया देख सकते हैं तो सभी को जोड़ेंगे तो ये भी जीरो आएगा इसी तरह से आर वन माइनस आर थ्री निकाल लेना है आर वन ये है आर थ्री ये है वन माइनस सिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस फाइव सिक्स माइनस फोर करूँगा तो टू फाइव माइनस नाइन करूंगा तो माइनस फोर तो टेन माइनस एट करना है टेन माइनस एट करूँगा तो टू थ्री माइनस वन करूँगा तो टू टू माइनस टू जीरो फोर माइनस थ्री वन नाइन माइनस टेन माइनस वन सेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा टू एट माइनस सेवन कितना हो जाएगा वन इसको भी जोड़ेंगे ठीक है ये क्या है डी वन थ्री है ठीक है तो अगर डी वन थ्री भी जोड़ेंगे तो हमेशा जीरो आता है ये याद रखना है जोड़ के देख ले अगर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है तीनों में तो आपका कहीं पे ना कहीं मिस्टेक हो चुका है ये याद रखना है इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब d12 का स्क्वायर है तो d12 वन टू कहाँ पर है हमारा ई यहाँ पे है इसका होल स्क्वायर है तो माइनस टू का होल स्क्वायर करूँगा तो फोर हो जाएगा ना इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेटर लेके कर माइनस टू का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू इस तरह से करना आप लोग इस तरह से मत करना इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आप लोग को ब्रैकेट लेके करना होता है ठीक है आपको अब क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ आपको सजीलो होगा इजी होगा इसका होल स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर है ठीक है इसका होल स्क्वायर है ये करना है डी वन टू का होल स्क्वायर है डी टू थ्री का होल स्क्वायर है डी वन थ्री का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है डी वन टू कहाँ पर है यहाँ पे है माइनस टू का होल स्क्वायर करना है माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर तो ये फोर हो गया उसी तरह से वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से तो नाइन हो जाएगा ठीक है इसी तरह से कर लेना है सिक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो थर्टी सिक्स फिर माइनस फोर का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन माइनस एट का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटी फोर टू का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा एट का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटी फोर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा ठीक है अब क्या करना है डी टू थ्री का होल स्क्वायर है डी टू थ्री कहाँ पर यहाँ पर है इसका होल स्क्वायर करना है माइनस थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो नाइन वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस फोर का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन सिक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो थर्टी सिक्स फिर एट का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटी फोर फिर माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस नाइन का होल स्क्वायर करेंगे तो एटी वन वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन टू का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं फोर हो जाएगा उसी तरह से आप लोगों को क्या करना D13 है डी वन थ्री का होल स्क्वायर निकालना है डी वन थ्री कहाँ पर यहाँ पर है अगर माइनस फाइव का होल स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव फिर टू का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर माइनस फोर का होल स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन टू का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर फिर टू का होल स्क्वायर फोर जीरो तो का स्क्वायर जीरो वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब सबका सम निकाल लेंगे इसका भी सम निकाल लेंगे इसका इसका सब का सम निकाल लेंगे चलिए यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ इसका समेसन डी वन टू का होल स्क्वायर ठीक है ये समेसन डी वन टू का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ इसका होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ समेशन कर रहा हूँ तो सभी को नंबरों को जोड़ेंगे फोर प्लस वन प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटी फोर प्लस फोर प्लस सिक्सटी फोर प्लस वन प्लस वन सभी को जब ऐड करेंगे तो हम लोग का यहाँ से टू हंड्रेड आएगा आप लोग कैलकुलेट करके ऐड कर लेना ठीक है उसी तरह से इसका भी सम निकालने वाले हैं डी टू थ्री का होल स्क्वायर का सम निकालने वाले हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ समेसन डी टू थ्री का होल स्क्वायर तो इसको जब ऐड करेंगे नाइन प्लस वन प्लस वन प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर प्लस वन प्लस एटी वन प्लस वन प्लस फोर सबको जब ऐड करेंगे तो आपका टू वन फोर आएगा आपको लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इतना करने के बाद आपको इसका भी होल स्क्वायर का जो है समीशन निकालना होगा चलिए इसका निकाल लेते हैं समेशन डी वन थ्री का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ समेसन डी वन थ्री का होल स्क्वायर तो इसका जो है चलिए ट्वेंटी फाइव यहाँ पर ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस फोर प्लस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस फोर प्लस जीरो प्लस वन प्लस वन प्लस फोर प्लस वन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ से सिक्सटी आ जाएगा आई होप इतना तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही आसानी से सिखाया जाता है तो चलिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे एक पेपर ले लेंगे अब हम लोग यहाँ से पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें एन इज़ इस इक्वल टू एन की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं काउंट करके निकालते हैं कितना टेबल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है इस टेबल में डेटा कितना है टेन टेबल में डाटा टेन है ठीक है आप लोग इधर से भी यन निकाल सकते हैं एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से काउंट कर सकते हैं इस टेबल में डेटा कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका भी टेन है इसका भी टेन है इसका भी टेन है सभी का टेन है इसलिए मैंने सभी का टेन लिख दिया ठीक है इतना करने के बाद हम लोग क्या करने वाला है एक पेपर लेके कर फॉर्मूला लिखने वाले हैं तो चलिए एक पेपर इस तरह से ले लेता हूँ मैं ठीक है तो अब क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे नाउ लिख के ठीक है नाउ स्पियरमैंस ठीक है स्पियरमैंस रैंक कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट ठीक है बिटवीन इस तरह से लिख के बिटवीन यहां पे देख सकते हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जजेज जजेज लिखना था ठीक है उसके बाद कॉमा दे दूंगा और यहां पे क्या लिखूंगा रैंक कोर्डिलेशन कॉपिशन का फॉर्मूला लिखूंगा फर्स्ट सेकेंड जजेस का लिख रहा हूं इसलिए आर वन टू लिखूंगा इसका जो फॉर्मूला होता है वन माइनस सिक्स समेसन डी स्क्वायर में क्या लिखूंगा वन टू लिखूंगा डी वन टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस वन होता है ठीक है ये फार्मूला होता है यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड जज ले रहा हूं ठीक है फर्स्ट जज सेकेंड जज का ले रहा हूं तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज पेयरमैन रैंक कोलिशन कॉमीशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जज ठीक है उसके बाद फॉर्मूला क्या लिखेंगे वन माइनस सिक्स समीशन डी वन टू का होल स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस वन ये फॉर्मूला हो गया हमेशा यही लिखना है आपको फॉर्मूला ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने वाले हैं हम लोग इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई समीशन डी वन टू का होल स्क्वायर है तो हम लोग का वैल्यू कितना आया था यहाँ से देख सकते हैं टू हंड्रेड आया था तो यहाँ से हम लोग समीशन डी वन टू का होल स्क्वायर टू हंड्रेड आया हुआ है तो ये वही लिखूँगा वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू हंड्रेड डिवाइड बाई ठीक है डिवाइड सिर्फ इतना ही है पूरा नहीं है एन हमारा कितना था टेन था आप लोगों को टेन यहाँ से देख सकते हैं एन की वैल्यू जो है टेन है तो वही लिखूँगा मैं टेन उसके बाद एन स्क्वायर बोले तो टेन स्क्वायर माइनस वन ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारा आर एस जो है आर वन टू ठीक है आप कैपिटल आर वन टू भी लिख सकते थे स्मॉल आर वन टू प्राय बुक में होता है इसलिए मैंने स्मॉल आर वन टू बोला आर वन टू को क्या बोला गया है रैंक कोर्डलेसन कॉपिशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जज ठीक है तो यहाँ से हमारा वन माइनस सिक्स इंटू टू हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पे कैलकुलेटर है सिक्स इंटू टू हंड्रेड करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है डिवाइड बाई टेन इंटू टेन का स्क्वायर माइनस वन कर दूंगा टेन स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा माइनस वन करूँगा तो नाइन्टी नाइन हो जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वन माइनस टूल्व हंड्रेड डिवाइड बाय टेन इंटू नाइन्टी नाइन तो कितना जाएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ रहा है माइनस जीरो पॉइंट टू वन टू वन आ रहा है ठीक है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड जज का स्पेयरमैंस रैंक को रिलेशन कॉपिशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जज इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से स्पेयरमैन्स रैंक को रिलेशन कॉपिशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जज निकाल लेंगे ठीक है चलिए अब सेकेंड एंड थर्ड जज निकाल लेता हूँ सेम लैंग्वेज लिखने वाला हूँ तो सेम लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है इस तरह से अब फार्मूला भी सेम उसी तरह से लिख दूंगा यहाँ पे आर सेकेंड थर्ड है तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड लिख दूंगा फार्मूला वही हो जाएगा वन माइनस सिक्स समय एसन डी सेकेंड थर्ड है तो डी टू थ्री का होल स्क्वायर कर दूंगा एन एन स्क्वायर माइनस वन कर दूंगा अब वैल्यू प्लेस करने वाले हैं तो वन का वन हो गया माइनस सिक्स मल्टीप्लाई समीशन डी टू थ्री का होल स्क्वायर है समीशन डी टू थ्री कितना आया था समीशन डी टू थ्री का होल स्क्वायर कितना आया था टू वन फोर आया था तो यहाँ से टू वन फोर डिवाइड बाई एन हमारा टेन था आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एन की वैल्यू तो हमारा टेन ही है ये याद रखना है टेन इंटू ठीक है टेन का स्क्वायर कर देंगे माइनस वन कर देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आर टू थ्री आर टू थ्री कितना आएगा चलिए हम लोग सल्व करके देख लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली तो यहाँ पे कैलकुलेटर है हमारा वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू वन फोर डिवाइड बाई टेन उसके बाद टेन स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस में आ रहा है माइनस ज़ीरो पॉइंट टू नाइन सिक्स माइनस ज़ीरो पॉइंट टू नाइन यहाँ पे देख सकते हैं टू नाइन सिक्स है इतना आया इसी तरह से अब हम लोग क्या क्या निकाल लिए यहाँ से स्पेयर मैंस रैंक कोलिशन कोपिशन बिटवीन फर्स्ट थर्ड निकाल यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड निकाल लिए सेकेंड थर्ड निकाल लिए अब फर्स्ट थर्ड निकालने वाले हैं तो यहाँ पे सेम लिखूंगा यहाँ पे लैंग्वेज सेम लिखने वाला हूँ स्पेयर मैंस रैंक कोलिशन कॉपिशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड जजेस लिखने वाला हूँ चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ तो सेम लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे स्पेयरमैन रैंक कॉलिशन कॉपीशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड जजेस फर्स्ट में हमने निकाला था यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड निकाला था सेकेंड थर्ड निकाला था अब जो निकाल रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड निकाल रहे हैं तो फार्मूला भी सेम इसी तरह से लिख लेंगे आर फर्स्ट थर्ड है वन थ्री वन माइनस सिक्स उसके बाद समय सन वन थ्री डी वन थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन एन स्क्वायर माइनस वन अब वैल्यू प्लेस करने वाले हैं वन माइनस सिक्स का सिक्स हो गया मल्टीप्लाई समीशन डी वन थ्री का स्क्वायर कितना है चलिए देख लेते हैं सिक्सटी आया था यहाँ पे देख सकते हैं सिक्सटी है सिक्स मल्टीप्लाई सिक्सटी डिवाइड बाई एन की वैल्यू टेन है और एन स्क्वायर बोले तो टेन स्क्वायर माइनस वन एन की वैल्यू टेन है यहाँ से देख सकते हैं टेन है ठीक है, है वही मैंने यहाँ पे रखा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा चलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ले लिया है वन माइनस सिक्स इंटू सिक्सटी डिवाइड बाय टेन टेन स्क्वायर माइनस वन जब करूँगा तो यहाँ पे प्लस में आया ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स आया तो यहाँ पे लिख दूँगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स आ रहा है ये हमारा आर वन थ्री आ चुका है तो हम लोग वैल्यू अब देखने वाले हैं मैक्सीम किस में है यहाँ पर प्लस है ये मैक्सीम है या ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है ये भी नेगेटिव में आ रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा रियल में तो यहां पे लिख दूंगा हेंस, आर वन थ्री इज मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आर वन टू होता तो यहां पे लिखते हैं हिन्स आर वन टू इज मैक्सिमम अगर आर टू थ्री मैक्सिमम होता तो यहां पे लिखते हैं आर टू थ्री इज मैक्सिमम सो so, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था विच पेयर ऑफ जज है नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इज इन ब्यूटी तो जो मैक्सिमम होगा वही लिखूंगा सो so, यहाँ पे लिख के क्या लिखने वाला हूं सो फर्स्ट थर्ड जज है ये वन फर्स्ट जज है थर्ड जज है सो द पेयर ऑफ द पेयर ऑफ वन थ्री बोले तो फर्स्ट जज एंड थर्ड जज हैज द दियरेस्ट एप्रोच था हमारा नियरेस्ट एप्रोच टू कॉमन टेस्टेस इन ब्यूटी ठीक है ये लिख देंगे क्योंकि हमारा यही लैंग्वेज होगा यहां पे क्वेश्चन में जो होता है वही लैंग्वेज लिखना होता है यही मैंने लिखा पेयर ऑफ जजेज अब फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ जजेस हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी अगर सेकेंड थर्ड आया होता अगर टू थ्री में मैक्सिमम आया होता तो यहां पे लिखते हैं हिंस टू थ्री इज मैक्सिमम सो द पेयर ऑफ सेकेंड थर्ड जॉर्ज इज आज द नियरेस्ट एप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा अगर आप लोग समझ गए हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को इसी तरह का वीडियो के लिए इस तरह से हम लोग को मोटिवेट मिलता है और हम लोग को वीडियो बनाने का मन करता है मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय